तुम्हारे जीने में आसानी बहुत है क्योंकि तुम्हारे खून में पानी बहुत है, और जो अगर इरादा कर लिया खुदकुशी का तो खुद की आंख का पानी बहुत है। आज हमारे बीच एक ऐसे डॉक्टर है जो 9वीं क्लास में अपनी पढ़ाई करने के लिए 4 किलोमीटर तक पद यात्रा करके जाते थे। डॉक्टर राज कंवर यादव आज हमारे बीच में है, एम्स नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में होने के लिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साथ में आज थोड़ा सा आप बच्चों के लिए और सभी लोगों के लिए, अभिभावकों के लिए, वो सभी लोग जो अनअकैडमी सेपियंस के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं डॉक्टर अभिनव त्रिपाठी और आप ऑलरेडी देखना चालू कर चुके हैं अनअकैडमी सेपियंस। और आज हमारे बीच में हैं अटेली में पैदा हुई डॉक्टर सुषमा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेवाट मेडिकल कॉलेज में हैं और सर की वाइफ हैं और डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर दंपत्ति हैं, आज आपके लिए डॉक्टर कपल्स लेकर आए हैं हम, और आई एम श्योर कि आज आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। मज़ेदार कुछ सेशन होगा, कुछ सवाल सर से पूछेंगे। सबसे पहले सर से शुरू करते हैं। सर, हरियाणा के गांव से निकल के दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी के अंदर और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सपना होता है एम्स, जो भी 16 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम देने बैठते हैं, तो जनरली मैंने सुना है कि उनके मम्मी पापा ही कहते हुए मिलते हैं कि बेटा एम्स ले आना, और आप तो एम्स में कार्यरत डॉक्टर हैं। कैसा है सर, कितना डिफरेंस है और कितना सब कुछ बदला? देखो, हर किसी मेडिकल स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि मैं एम्स में जाएं और वहाँ देख ही लें एम्स को, और वहाँ पे वर्क करना तो एक ड्रीम सच हो गया आपका। ये पूरी जो मेडिकल की पढ़ाई है आप वो कामयाब हो गई, तो बड़ा रेयर मिलता है ये अपॉर्चुनिटी कि एम्स में हर किसी को वर्क मिलता भी नहीं है। जी सर। सर, मैम भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, कितना टाइम आप लोगों का मिलना हो पाता है? मतलब जनरली मैंने देखा है कि वाइफ अगर काम पे हैं तो आपको छुट्टी होती है, क्योंकि 24 घंटे का प्रोफेशन है सर। बेसिकली सच बताएं तो थोड़ा डिफिकल्ट है डॉक्टरी लाइन, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट, ड्यूटियाँ टफ होती हैं। हमारा ये नहीं पता होता नाइट में कब ड्यूटियाँ हैं, डे में कब है, और दोनों वर्किंग है ऑलमोस्ट। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो इनकी भी डिपार्टमेंट बिजी है और हमारा डिपार्टमेंट बिजी है। मैम, कैसा है, मतलब आप अटेली में पैदा हुई और फिर आपने अपना शायद रोहतक से आपकी MBBS है और फिर रोहतक से ही PG है, और रोहतक PGI का तो काफ़ी नाम हम लोगों ने सुना, मतलब मैं भी एक टाइम पे ड्रीम करता था उधर जाऊंगा। तो कॉलेज कैसा है और उसके बाद फिर प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, क्या डिफरेंस है? कॉलेज लाइफ तो बहुत अच्छी है, जैसे और कॉलेजेस में होती है पढ़ाई, लेकिन काफ़ी होती है, आप पढ़ाई दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ये लगता है कि बस MBBS हो जाएगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर की लाइफ में स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो लाइफ लॉन्ग आपको काम करना रहता है, पेशेंट से डील करना पड़ता है, पेशेंट्स की लाइफ से डील करना पड़ता है, तो हर टाइम मतलब आप एक नई नई चीज़ से जूझते रहते हो, हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं और आप थोड़ी सी स्ट्रगलिंग लाइफ बाद में रहती है। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा था सर, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चों को बताया जाता है कि सिर्फ किसी तरीके से मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, उसके बाद तो मौज है। नहीं, स्ट्रगल तो हर किसी फील्ड में है, अगर आपने कामयाबी पानी है तो स्ट्रगल तो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। और सर, खासतौर से ये फील्ड जहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आप 12 घंटे में छूटेंगे या 18 घंटे में छूटेंगे, या कई बार दो दो दिन आप OTs में ही होते हैं, इमरजेंसीज में ही होते हैं, तो ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है सर मेरे हिसाब से। पर एक जो फाइनली जब आपका पेशेंट ट्रीट हो जाता है तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस फील्ड का यही एडवांटेज है कि आप फाइनली एक बार बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब आपका पेशेंट ट्रीट हो जाता है। जी सर। सर, कोई ऐसी कहानी जो आपको याद होती हो, जो आपका सबसे फेवरेट पेशेंट रहा? आई एम श्योर सारे ही पेशेंट बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बेसिकली पहले मैं कार्डियोलॉजी में था तो रोहतक में कार्डियोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करते थे मेडिकल कॉलेज में। एक बार एक बच्चा आया 13 साल का, उसकी हाइट थी सिर्फ 5 साल के बच्चे जैसी, तो किडनी फेलियर से था। तो उस टाइम मेरा सपना बना कि क्यों ना मैं अपना फील्ड चेंज करके एक नेफ्रोलॉजिस्ट बनूँ, ताकि एक नॉर्मल लाइफ दे सकें किडनी के पेशेंट। तो अब भी उस बच्चे का नाम ध्यान आता है, उसका अंकित नाम है। तो फिर जब नेफ्रोलॉजी में आए तो रोज़ाना नए नए मरीज देखते हैं, तो एक बच्चा आया अभी भी, वो वैष्णो देवी गया था ट्रिप पे, तो उसकी किडनी फेल हो गई। तो वो बाहर अपने लोकल में दिखाया उनको,
तो उन्होंने कहा कि आपका तो परमानेंट डायलिसिस चलेगा और किडनी ट्रांसप्लांट होगा। तो उसके पेरेंट्स, दादाजी और सब वो आए हमारे पास, तो बड़े दुखी थे वो, क्योंकि बच्चा एकदम नॉर्मल था। तो फिर हमने उनकी किडनी बायोप्सी की और पता चला कि ये तो एक्यूट डैमेज है, सही हो जाएगी। तो जब आए, जब वो सीरम क्रिएटिनिन 9 था, जब हमने डिस्चार्ज किया तो मन था, अब वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो बड़ी खुशी मिलती है जब आपका मरीज एकदम बिल्कुल सही हो जाता। तो सर, कार्डियो में, नेफ्रो में, और मैम यही सवाल आपसे भी पूछेंगे सर के बाद, कि गायनी में, ये तीनों में माइंडसेट क्या रखना होता है सर? देखो सर, सर्जिकल माइंड और मेडिसिनल माइंड दोनों ही अलग चीज है। तो सर्जिकल माइंड में थोड़ा सा क्या होता है, पेशेंस रखना होता है। और मेडिकल माइंड में अगर आप इंटेलिजेंट हैं और पेशेंस भी कम है तो आप ज़्यादा कामयाबी पा लेते हो। पर सर्जरी में पेशेंस चाहिए आपको, क्योंकि एकदम नाम कमाना, सर्जिकल स्किल्स गेन करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम के साथ ही आप फेमस होंगे। और मैम गायनी का? गायनी में, गायनी एक सर्जिकल और मेडिसिनल कंबाइंड ब्रांच है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पेशेंट होना पड़ता है कि आप मेडिसिनल पॉइंट से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आपको ऑपरेट करना पड़ता है। और ऑपरेशन के टाइम आप अगर कोई एंटीनेटल पेशेंट है तो आपको दो दो लाइफ एक साथ डील करनी होती है, तो आपका माइंडसेट बहुत ही एक अलग तरह का सा होता है। मेरे ख्याल से खाली जो प्लेन सर्जन है दे वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस टाइम एक गायनेकोलॉजिस्ट के मन में क्या चल रहा होता है। ध्यान रखिएगा यार, आप सोच भी नहीं सकते मैम की लाइफ में क्या चल रहा है। जी मैम बताइए। कि आपको कई बार सिचुएशन आती है कि माँ भी सिक हो रही है और बच्चे को बचाएं या माँ को बचाएं, उस टाइम डिसीजन लेना बहुत ही टफ पार्ट होता है। और माँ को प्रेगनेंसी की वजह से ऑलरेडी मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है तो मेडिसिनल कॉम्प्लिकेशन भी साथ में होती हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट मैनेज करना होता है। लेकिन अगर आप पेशेंट हैं, आपका माइंड शांत है, तो आप इजीली उन सब चीज़ों को टैकल। नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि डॉक्टर सुषमा जैसे डॉक्टर्स जो गायनी से आते हैं और फिर सर्जरीज़ में, मदर सर्जरीज़ में या फिर डिलीवरीज़ में जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑब्वियस सी बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि माँ जो 9 महीने तक अपने बच्चे को एक गेस्टेशन पीरियड में अपने पेट में रखती है और उसके बाद उसकी जब डिलीवरी का, दुनिया में आने का दौर होता है, तब मैम आप जैसे लोग वहाँ पर सहारा देते हैं। लास्ट शो में हमारे पास कर्नल समीर द्विवेदी भी थे, तो हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था। सागर MP से सर एक बच्चे का टेक्स्ट आया, विनय नाम था उसका, और उसने पूछा कि सर पड़ोसी बड़ा रोल प्ले करते हैं, बाहर कैसे जाऊं, फेस नहीं हो रहा। तो बेसिकली डिमोटिवेट करने वाले सर लोग तो होते ही हैं। मेडिकल के जो बच्चे होते हैं वो शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो आस पड़ोस के उनको पता होता है कि भाई ये बच्चा पास कर जाएगा, पर उनको भी खुशी मिलती है कि हमारे आस पड़ोस में कोई डॉक्टर आ गया जो हमारा इलाज कर पाएगा। तो सिचुएशन टू सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपके पड़ोस में कैसे हैं, और आपके अच्छे पड़ोसी हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि मेडिकल में पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि वो डिस्टर्ब ना करें। शादी हुई तो थोड़े वॉल्यूम लो रखें, जैसे हमारे जब हम रेवाड़ी में थे तो कोई ज़्यादा बहुत अच्छी कॉलोनी नहीं थी, तो काफ़ी आवाज़ें आती थी, पर वो हमारी पढ़ाई के लिए वो अपनी आवाज़ें कम कर देते थे। किसी भी मतलब उनका फंक्शन होता था तो उसको जल्दी क्लोज कर देते थे और शोर शराबा ज़्यादा नहीं। सर बहुत किस्मती हैं आप, आपके पड़ोसी बहुत अच्छे थे। हमारे माँ में शुक्ला जी होते थे, वो 10वीं के रिजल्ट के बाद, 12वीं के रिजल्ट के बाद आके पूछते थे। तो हमारे यहाँ वो डिफरेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होते थे, 21 क्रैक किए थे मैंने, हर बार जाता था मिठाई खिलाने, फिर बाहर निकलना बंद कर दिया उन्होंने। मैम आप एग्री करती हैं सर से, ऐसे पड़ोसी होते हैं? ऐसे भी होते हैं, आप जैसे भी होते हैं। एक जो मेरे फादर के फ्रेंड थे, उनकी बेटी भी मेरे साथ ही, जैसे मैं 12th PMT की तैयारी कर रही थी, तो मैं विलेज टच है मेरा, तो मुझे बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद थी, तो मैं वो खा रही थी। तो मेरी वो जो फ्रेंड है, उनकी बेटी है, तो उनकी मम्मी ने कहा कि बाजरे की खिचड़ी खा के डॉक्टर कैसे बनेगी, मतलब टॉन्टिंग वे में, कि वो अच्छा दे रहे हैं, वो शहर में रहते हैं, वो अच्छी चीज़ें खाते हैं, और मेरा, हालांकि मैं भी रेवाड़ी में ही रहती थी उस टाइम, लेकिन वो बाजरे की खिचड़ी खा रही थी, तो मेरे को फील हुआ, तो मैंने माइंड सेट किया नहीं, मैं डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगी। एंड
बेसिकली क्या है कि आपको देख के ना अगर कोई मोटिवेट होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब हमारा पीएमटी में सिलेक्शन हुआ और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमने टॉप किया पीएमटी में, तो हमारे गांव के जो बच्चे थे उनमें बहुत मोटिवेशन आया और उन्होंने बहुत बच्चों ने साइंस लेना स्टार्ट किया उसके बाद। अदरवाइज पहले साइंस लेना थोड़ा डिफिकल्ट था, पर बहुत बच्चों ने साइंस ली ताकि हम भी डॉक्टर बने, और कुछ उसमें से कामयाब भी ज़्यादा नहीं हुई, पर वो अब अच्छे टीचर और वो बने हुए साइंस लेने के लिए। मैम आपके टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुआ करते थे उसमें और अभी के ट्रेंड में कुछ बदलाव है? हाँ, अब काफ़ी चेंज हो गया है। पहले क्या था, क्लासरूम बेस्ड स्टडी थी, या कोई ट्यूशन पे जाता था तो हम 8th में तो हमारे गांव में पढ़े, 9th-10th में दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे, फिर 11th में शहर में आ गए हम, तो हम थोड़ा लेट गए, तो हमने अपने टीचर से कहा कि सर हमारा भी ट्यूशन रख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप तो मिडवे में हैं, ट्यूशन तो नहीं रखेंगे आप, और 11th में पास हो जाते हैं साइंस में तो 12th में हमारे पास आ जाना। तो बड़ा सेटबैक लगा उस टाइम पे कि अब तो हमारा कुछ नहीं होगा। वो फिज़िक्स के सर हैं हमारे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अब भी मिलने आते हैं हमसे। तो फिर हमने 11th में फिज़िक्स टॉप किया, तो उन्होंने फिर 12th हमें फ्री में पढ़ाया कि आपको ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संडे के दिन आइए हमारे पास, जो अपनी प्रॉब्लम है बस वो लेके आइए, आपको डेली ट्यूशन पे आने की ज़रूरत नहीं। अब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है कि कितने भी स्टूडेंट कहीं पे भी ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ सकते हैं, टीचर का आप कितनी बार भी सुन सकते हैं कहीं पे बैठे हुए, कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें साइकिल पे जाना पड़ता था 5 किलोमीटर, सर का घर 5 किलोमीटर था मेरे घर से, तो गर्मी सर्दी बारिश। तो पेरेंट्स आपके बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले या ऐसे हो गए आपको लगता है, या बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों पे? एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस तो पेरेंट्स नहीं लगाते, लेकिन जो प्रेशर वर्ड है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। पढ़ाई एक प्रेशर नहीं है, पढ़ाई को आप जितना पढ़ोगे उतनी आपको ईजी लगेगी। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो पेरेंट्स भी उसे प्रेशर का नाम दे देते हैं, फिर बच्चे उसकी एडवांटेज लेने लग जाते हैं कि हम पे प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसका रीज़न सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि उस वर्ड उस चीज़ को प्रेशर का नाम देना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ तो कई बार कहती हूँ कि बेटा आपने ये नहीं पढ़ा, कहती हूँ मम्मी आप मुझे प्रेशर देते हो। मैंने कहा अच्छा बेटा ABCD सुनाना, सुना देती है। मैंने कहा बेटा ये प्रेशर नहीं है, ये अब आपको आती है इसलिए आप प्रेशर फील नहीं कर रहे हो। आपको आती क्यों है? क्योंकि आपने ये उस टाइम ध्यान से पढ़ा था। अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, उस चीज़ को आप प्रेशर का नाम लेके टेकन फॉर ग्रांटेड ना करो चीज़ को। तो अब नाउ शी रियलाइज़ कि हाँ ये प्रेशर वर्ड जो है कुछ नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं इस वर्ड का हम भी मिसयूज़ कर रहे हैं और बच्चे तो कर ही रहे हैं। जब हमने पढ़ा है तब भी पढ़ाई रेस्ट्रिक्टेड नहीं थी और पढ़ाई आज भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आज के टाइम में तो बल्कि बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं कि बच्चा कुछ भी कर सकता है। हमारे टाइम में तो क्या था, PMT था, इंजीनियरिंग था या टीचर, तीन ही जॉब होते थे और इतने सारे कैंडिडेट उस टाइम भी होते थे, अब भी होते हैं। तो अगर हम उस टाइम प्रेशर मान के बैठ जाते कि हमारे पास प्रेशर है, मम्मी पापा आप हमसे PMT क्यों करा रहे हो, हम नहीं कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमने उस प्रेशर वर्ड को अपने एक्शन में कन्वर्ट किया कि हम पढ़ रहे हैं और आज हम वेल सेटल्ड हैं, मम्मी पापा खुश हैं। सर सवाल आपसे ये है कि जैसे कि हम बात करते हैं फॉरेन के टेक्नोलॉजीज़ में और इंडिया के टेक्नोलॉजीज़ में, अनडाउटेडली सर इंडियन डॉक्टर्स आर बेस्ट, इस पे तो मैं भी एग्री करता हूँ, आई एम श्योर सभी करते होंगे। टेक्नोलॉजीज़ में हमारे देश में भी और सुधार होने की ज़रूरत है सर? अपने इंडियन डॉक्टर्स का टेक्निकली थोड़ा अपर हैंड होने का रीज़न ये है कि वैराइटी ऑफ पेशेंट ज़्यादा है जी सर, पर कुछ जो मेडिकल सर्विसेज हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा हो गया है। तो फॉरेन की टेक्नोलॉजी आ तो रही है इंडिया में, पर इंडिया इतना बड़ा है कि हमें और ज़्यादा लेवल पे चाहिए, कि हर स्टेट में एक अच्छा इंस्टीट्यूट तो होना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटी है, ना कि दिल्ली एम्स में ये सभी आए। तो थोड़ा ज़रूरत है अभी हमें जी सर। सर आप अजमेर से, आपका MBBS है शायद, अजमेर के कॉलेजेस में या मतलब हिंदुस्तान के सभी मेडिकल कॉलेजेस में अब थोड़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं सर पहले से?
हाँ डे बाय डे प्रोग्रेस तो हो रही है। बेसिकली हम अजमेर में इसलिए गए थे, हम तो टॉपर थे सीबीएसई पीएमटी के, तो हमारे बड़े भाई भी वहीं पे थे, तो पेरेंट्स ने कहा कि नए शहर में अकेले जाने की बजाय अपने भाई के पास ही जाइए। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम सबसे छोटे थे, तो पेरेंट्स ने गांव में रख लिया कि गांव में रहेंगे। तो हमने देखा कि हमारे बड़े भाई साहब भी बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं अच्छे स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में, तो हमारी लगन जभी से लग गई कि अपने जो बड़े भाई हैं उससे भी आगे निकलना है। और बाई गॉड ग्रेस हर एग्ज़ाम में मेरे बड़े भाई से मुझे अच्छी रैंकिंग मिली। सर अभी पिछले दिनों आप श्रीलंका में थे, कैसी रही सर टूर? श्रीलंका मुझे अच्छी कंट्री लगी, वहाँ सबसे अच्छा लगी कि जो इंडिविजुअल है वहाँ के वो रेस्पॉन्सिबल हैं, वो साफ़ सफाई खुद रखते हैं, कहीं पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, रोड क्लीन है, जगह क्लीन है, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ मेरा इंडिया ऐसा हो। बहुत बढ़िया बात बोली सर, अभी समीर सर भी थे तो वो भी जब रिकॉर्ड हो रहा था इंटरव्यू, उन्होंने भी यही बात बोली कि मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देश का इंडिविजुअल ये जिम्मेदारी ले कि देश साफ होना चाहिए, और ये हमसे हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये किसी नेता पे डिपेंडेंट होकर नहीं हो सकता, इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे हम हमारा माइंड सेट है कि इंडिया है तो गंदगी है, हम इंडिया में खुद भी कुछ चीज़ खा के रोड पे थ्रो कर देते हैं, और अब हम दूसरे कंट्री में जाते हैं चाहे कोई भी हो, वहाँ पे हम चीज़ खा के रोड पे थ्रो नहीं करेंगे, हम डस्टबिन ढूंढेंगे कि डस्टबिन कहाँ है। हाँ, वो जैसे एयरपोर्ट से उतरती है अंग्रेजी आ जाती है अंदर से, तो वो माइंड सेट है कि इंडिया है तो गंदा है, तो वो वाला माइंड सेट हटा के हमें हमारा देश साफ रखना है, ये वाला माइंड सेट। मैम कोई किस्सा जो आपको बहुत मज़ेदार लगा श्रीलंका में? वहाँ पे बोटिंग करी थी एक्चुअली गुड़िया ने, तो वो डोनट बोटिंग थी, डोनट की शेप में था, तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम कर लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, बहुत हॉट था और मेरा मन भी नहीं था, तो ये गुड़िया बोले दो को जाना पड़ेगा, तो गुड़िया और डॉक्टर साहब चले गए, तो जाते ही वो जैसे ये बोट में बैठे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। ये सबसे मजेदार था, आप देखिए। तो ये मुझे कह रहे थे गीला नहीं होगी तू, जल्दी चल चल, गीला नहीं होगी, और मैंने कहा खुद नहा के आ गए हो पानी में। अच्छा ट्रिप था श्रीलंका, अच्छी कंट्री है और फैमिली ट्रिप के लिए अच्छी जगह है, आप कहीं पे भी जाएं एंजॉय तो करें अपनी लाइफ को। सर आपकी फेवरेट कंट्री एक्सेप्ट इंडिया? बेसिकली मेरा भी इंडिया ही रहा है, मैंने 2016 तक पासपोर्ट नहीं बनवाया अपना, सिर्फ इसलिए कि कहीं बाहर चले गए पासपोर्ट बनवा लिया और कोई कंट्री अच्छी पसंद आ गई तो वहीं रुक जाएंगे, तो इंडिया तो फर्स्ट है ही अपना। पर जब तक जितनी कंट्रियाँ घूमी है मैंने उसमें ऑस्ट्रेलिया थोड़ी अच्छी लगी मुझे, हाँ वहाँ रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, इंडिविजुअल की वैल्यू, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, हेल्थ सिस्टम अच्छा है उनका, सारी चीज़ें अच्छी हैं, हो सकता है पॉपुलेशन कम है इस वजह से, पर कंट्री बहुत अच्छी लगी। मैम हमारे पहले शो में स्वरूपा मैम हमारे साथ थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉइंट रखा था कि महिलाओं को सिर्फ ये नहीं कि वो कहाँ पढ़ेंगी, वो किससे शादी करेंगी, बल्कि आज के डेट में वो किससे इलाज कराएंगी, इसका भी क्या कहते हैं परमिशन उन्हें अपने मेल पार्टनर से या फिर पापा से, या मेल्स डिसाइड करते हैं बेसिकली कि वो किधर जाएंगी, आप इससे सहमत हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आज के टाइम में फीमेल्स भी इंडिपेंडेंट है, अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं, और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा है कि आप बेस्ट डॉक्टर ढूंढ सकते हो, तो उसमें पार्टनर या पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, फीमेल को वहाँ जाना चाहिए जहाँ उनका ट्रस्ट हो, जहाँ वो कंफर्टेबल फील करे। कई बार अंडर प्रेशर पेशेंट डॉक्टर के पास चली जाती है फीमेल, और वहाँ उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, तो 50% बीमारी का इलाज है मेंटल सेटिस्फेक्शन, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, वो डॉक्टर के बात करने से या पेशेंट को डॉक्टर की कितनी बात समझ आ रही है, वो कितना उसको एक्सेप्ट करे, उसी से आधी बीमारी ठीक हो जाती है, बाकी 50% काम मेडिसिन का होता है, तो वो जो 50% चीज़ है उसका डिसीजन फीमेल खुद ले सकती है। बेसिकली उनके बात इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि जैसे महिलाओं को आज भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो थोड़ा बहुत फैमिली की परमिशन, आप कहीं भी किसी भी काम के लिए मार्केट जा रहे हो तो पूछना पड़ता है,
हस्बैंड से कि मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं ये चीज़ लेने जा रही हूँ, अगर हस्बैंड कहेंगे नहीं मत जाओ अभी, तो मोस्ट ऑफ द फीमेल रुक जाती हैं। तो इस मामले में तो कम होता जा रहा है, खैर विद द एजुकेशन ऑफ फीमेल, इसमें फीमेल एजुकेशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि आप अभी ऑफ द कैमरा भी एक बात हमारी चल रही थी कि बीइंग अ फीमेल बड़े चैलेंजेस तो होते हैं पढ़ाई में, जैसे आपने कुछ बताया था, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम, जो भी फीमेल्स या जो भी फीमेल पेरेंट्स यहाँ पे आपको देख रही हैं? उनके लिए मैसेज यही है कि आजकल तो सिस्टम एजुकेशन का बहुत अच्छा बेटर होता जा रहा है, ऑनलाइन सिस्टम आता जा रहा है, ऑफलाइन सिस्टम कम होता जा रहा है, तो इसका एडवांटेज उठाएं और जब भी ज़रूरत हो आप ऑनलाइन अपना कहीं भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको बार बार देख सकते हैं। फैसिलिटी फीमेल्स के लिए इंडियन सोसाइटी में रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ओपन होती जा रही हैं ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद, तो उसका एडवांटेज उठाएं। बिल्कुल मैम। मैम आपका कोई ऐसा केस जो आपको याद रह गया हो? मेरा जब मैं पीजी कर रही थी तो एक पेशेंट थी, उसको 6.5 मंथ की प्रेगनेंसी थी, तो उसको लेबर पेन शुरू हो गए थे, तो 6.5 मंथ का बेबी बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके डिलीवरी के लिए सभी ये थे कि चलो कोई नहीं आराम से हो जाएगी बेबी, वैसे भी नहीं बचना, लेकिन जब वो डिलीवरी हुई, उसकी डिलीवरी मैंने ही कराई थी, और वो बच्चा रिससिटेट करा के उसको फिर हमने हायर सेंटर भेजा, वो बच्चा जिंदा बच गया और आज वो 6th क्लास में है, तो जब भी मिलता है वो आता है हमारे घर, उसके पेरेंट्स तो दे फील वेरी हैप्पी, वो कहते हैं कि मैडम ये तो आपकी देन है। दैट इज सो ग्रेट ऑफ यू मैम। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेट्रिकल ब्रांच में तो ये ऐसे मतलब लाखों केसेस हैं जो, और ये एक बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है कि जब आपको पेशेंट आके वापस इस चीज़ का रिवार्ड देता है। सर सुना है आप कुकिंग भी करते हैं? हाँ, एक दो चीज़ें बनानी जानते हैं। ये सर शौक में सीखा था या मजबूरी में? बेसिकली है ना, जब अजमेर में थे तो काफ़ी बार क्या है कि संडे के दिन वहाँ जो मैस में कुछ मिलता नहीं था, तो उस टाइम पे हॉबी लगा लीजिए या मजबूरी लगा लीजिए उसको, तो खाना बनाना पड़ता था उस टाइम पे, तो वहाँ से तो एक दो चीज़ें हम अच्छी बनाते हैं, वो मैडम बताएंगी कौन सी अच्छी चीज़ बनाते हैं। गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं, एक ही बार बना के खिलाया है लाइफ में अभी तक, 15 ईयर्स हो गए, लेकिन जो बनाया था बहुत टेस्टी था। और गाजर का हलवा के अलावा मैम क्या बनाते हैं सर? ये सुनने में आया है मैगी बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि ये खुद कहते हैं मैं मैगी बहुत अच्छा बनाता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने खाई नहीं है। बेसिकली अब जो भी इतनी बिजी होगी कि खुद ही है ना, खाना खाने का टाइम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जितनी ज़्यादा आपकी कामयाबी मिलेगी, आपको पॉपुलर होंगे, तो खाने पीने का टाइम आपको उतना ही कम मिलता चला जाएगा। ये पनीर टिक्का और एक एयर फ्राइड वेज कटलेट। मैम कितना रेगुलरली बनाते हैं सर, जैसे हफ्ते में कितने दिन? जैसे हेलीकॉमेट आता है उतने साल में एक बार। बेसिकली हमारी दोनों की दिन में साथ मिलना बड़ा मुश्किल कम होता है। तो वैसे कितना रेगुलरली मिलते हैं मैम आप लोगों के साथ, या क्रेडिट्स मुझे जाएगा आज आप लोगों के साथ बैठाने के लिए? मैं कई बार कमेंट करती हूँ, जैसे फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, तो वो कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब को आप भेजती नहीं हो मैडम हमारे पास। मैं एक ही बात कहती हूँ, मतलब जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं आपके पास तुरंत भेज दूंगी। तो थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी सैटिस्फाइंग मैम, दैट यू पीपल फ्रॉम बोथ ऑफ यू एंड फ्रॉम टू हैंड्स ऑफ योर्स, चार हाथ लगे हुए हैं देश की सेवा में और पेशेंट्स, मतलब इतना टाइम मिल जाता है कि बच्चे को भी लोनलीनेस फील नहीं होती है और हम भी खुश हैं। MDMS जब आप डिग्री कर रहे होते हैं वो थोड़ा टफ पीरियड होता है, उसमें 48 आवर्स 96 आवर्स आपकी लगातार ड्यूटी होती है। सर रिपीटर्स के लिए क्या मैसेज है, जैसे स्वरूपा मैम ने भी कहा था कि 3 बार में तो मैंने पीजी निकाली थी, तो पीजी निकालने में तो 3-3, 4-4 बार वो और कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो MBBS का भी ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम लोग रिपीट टर्म्स में निकालते हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
इसका मैं दे दूं आंसर? हाँ हाँ बिल्कुल मैम। रिपीटर्स के लिए ये है कि मेरी जो फैमिली फ्रेंड थे, जब मैं छोटी थी पीएमटी की तैयारी कर रही थी, तो मेरे को एक इंस्पिरेशनल सोर्स था, मेरे फादर के फ्रेंड की बेटी। वो जब हम छोटे छोटे थे तो उसने डिसाइड किया था कि वो डॉक्टर बनेगी, तो उसका आफ्टर 12th MBBS में नहीं हुआ सिलेक्शन, उसने नेक्स्ट टाइम ड्रॉप किया तब भी नहीं हुआ, फिर उसने BSc की ज्वाइन करा, BSc के 3 साल कॉन्टीन्यूसली उसने PMT का एग्ज़ाम दिया। जब वो BSc थर्ड ईयर में थी उस टाइम उसने क्रैक किया, PMT क्रैक किया, और फिर उसके बाद वो गायनेकोलॉजिस्ट भी बनी। तो अपना एम डिसाइड होना चाहिए और उसके लिए फाइट करते रहना चाहिए, आपको हार मान के नहीं बैठना चाहिए। लाइफ में पहली बार कामयाबी मिलना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा रेयर होता है, तो अगर कोई रिपीट अटेम्प्ट मिलता है तो इसकी डिसएडवांटेज नहीं है। लाइफ में पहली बार चीज़ सिर्फ 5 या 10% लोगों को मिलती है, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ख़राब जगह जाएं, इससे अच्छा है कि दूसरे अटेम्प्ट में अच्छी जगह पाएं। मेरा मैसेज यही है कि तैयारी करते रहना चाहिए, लाइफ में कोई अटेम्प्ट नहीं होता, लाइफ बहुत लंबी होती है, कोई 1 या 2 अटेम्प्ट से लाइफ ख़त्म नहीं होती। सर पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे आप? इतना प्रेशराइज्ड, जैसा कि मैम ने तो सिरे से बोल दिया कि कोई प्रेशर नहीं है। पेरेंट्स को थोड़ा है ना, बच्चे को इतना भी टॉर्चर ना करें कि वो भूल ही जाए कि वो बच्चा है, उसको बच्चा भी रहने दें और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएं, दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। इतना प्रेशराइज ना करें कि वो सब कुछ भूल जाए और डाउनग्रेड हो जाए, उसको मोटिवेट करते रहिए आप। अगर किसी ग्रेड कम आते हैं तो उसको मोटिवेट कीजिए कि अगली बार अच्छा आएगा, ये ना कि आपको कम क्यों आया ये ना पूछिए। आप जो ड्रॉबैक्स हैं आपके पेरेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे में क्या चीज़ कमी है, ताकि उसको अगले ईयर में आप उसको बेटर कर सकें, बजाय उसको नेगेटिव में डालें। कई बार मैम ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चा बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, पियानो बजाता है, स्पोर्ट्स में है, उसके बाद भी उस पर ये प्रेशर रहता है कि यार तू पहले MBBS कर ले फिर ये सब करते रहना। नहीं, साइड बाय साइड देखो, ये हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ बच्चे को या किसी भी इंसान को रिलैक्स करती हैं, तो अपना थोड़ा बहुत टाइम अगर बच्चा उस पर स्पेंड करता है तो इससे उसका मेंटल लेवल भी स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इस चीज़ ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए, नॉट एन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन ना हो, अपने एज ए हॉबी कंटिन्यू कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं कि जो म्यूज़िक है या डांस है या कोई भी आपकी फिज़िकल एक्टिविटी है, वो आपका मेमोरी पावर बढ़ाती हैं, आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती हैं, तो एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए। सर लास्ट का जो फेज़ होता है, एग्ज़ाम्स 3-4 महीने बचे होते हैं, तो उस 3-4 महीने में बेसिकली क्या माइंडसेट होना चाहिए? लास्ट के जो 3-4 मंथ होते हैं, यूजुअली बच्चे बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, प्रेशर की एग्ज़ाम आ गए, और उस टाइम में क्या होता है कि आप कुछ सोचते हो कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, रिमाइंड करूँ तो वो याद नहीं आता, तो बच्चों को लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उनकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है उसमें सब कुछ याद रहता है अगर उन्होंने ढंग से पढ़ा हुआ हो। तो वो टाइम पीरियड प्रेशर करने की बजाय अपना नॉर्मल कॉन्टीन्यूस, जैसे जैसे आप पहले से पढ़ाई करते आ रहे हो, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी चाहिए, बीच में मतलब स्किप नहीं किए, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, मेंटेन रेगुलरिटी और बिल्कुल काम माइंड से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर इस टाइम पे ना, जैसे मैम ने बताया बहुत अच्छी बात, कि इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम अच्छे बच्चे का सिलेक्शन भी रुक जाता है, इसी फेज में रुकता है, एग्री करते हैं सर आप इस बात से? देखो मैंने तो ऐसे बनाया हुआ था अपना कि जैसे नेक्स्ट क्लास में आए फर्स्ट डे से ही रेगुलर मेहनत करना, जो मैडम ने बताया ना पंक्चुअलिटी, कि इतने टाइम मुझे पढ़ना ही है, वीक में मुझे इतना टाइम निकालना है, और मेरे टारगेट होते थे कि मैंने इतना सिलेबस इतने टाइम में पूरा करना है, ताकि देखो आपने ये तो है नहीं कि 24 घंटे आप पढ़ाई के सामने ही रहेंगे, आपने घूमना भी है, फिरना भी है, फैमिली फंक्शन भी अटेंड करने, तो आपने फिक्स आवर्स बनाए, एटलीस्ट वीक का तो फिक्स होना चाहिए आपका, डे का नहीं है तो, ताकि एकदम लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा बर्डन ना आए कि एग्ज़ाम टाइम में फाइनली फिर पजल हो जाता है इंडिविजुअल कि इतना सिलेबस है इतना चीज़ें हैं। तो शुरू से अपना फर्स्ट डे से अपने टारगेट बनाए। मैम जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात हमेशा कहता हूँ कि मेडिकल को वही लोग क्रैक कर सकते हैं जो उससे बेसिकली मोहब्बत करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, ये एक ऐसा फील्ड है, कई सारे ऐसे फील्ड हैं कि आप बगैर प्रायोरिटाइज़ किए भी कर सकते हो।
जैसे लोग बीएससी एमएससी करते हैं तो उसको आप बगैर प्रायोरिटाइज किए कर सकते हैं, और टीचिंग लाइन में जो जाना चाहते हैं वो एक एक ऐसा सेगमेंट है कि बगैर प्रायोरिटाइज किए भी हो सकता है, बट इसमें तो जुनूनी लोग ही उसको क्रैक करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो लाइफ लॉन्ग डिमांडिंग है, आपकी फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस दोनों। बाकी जितने भी फील्ड हैं आपकी शायद उसमें या तो फिजिकल है या मेंटल है, इसमें आपकी दोनों प्रेजेंस चाहिए और वो भी लाइफ लॉन्ग चाहिए, और वो भी एट एनी टाइम ऑफ डे और नाइट। तो जब ये माइंडसेट है कि हाँ मुझे अपना 100% लाइफ में देना है, तो वही लोग मेरे ख्याल से इस प्रोफेशन में आने चाहिए, और वही एक तरह से जुनून, जिनको मेडिकल प्रोफेशन का जुनून होता है। तो मैं सर की फेसबुक प्रोफाइल देख रहा था, तो 2017 में सर ने वो कोई चिड़िया को जो है वो बचाया था, CPR का दिखाया था। अच्छा। बेसिकली क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या एनिमल हो, कोई भी नहीं मरना चाहता, और जो दूसरा उसका साथी होता है, फैमिली मेंबर होता है, वो भी नहीं चाहता है कि, वो भी रिवाइव करने की कोशिश करता है। हम थोड़े एडवांस्ड एनिमल हैं कि हमारे पास सिस्टम है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो इट इज़ वेरी गुड टू नो सर कि आप जैसे लोग जो सिर्फ पेशेंट ट्रेनिंग और उसको बचाना वो एक अलग इशू है, आप हर मतलब इवन एनिमल्स को भी आप जो देख रहे हैं इस तरीके से, ये शो करता है कि लाइफ की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ किसी की भी हो सकती है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है मैम। और ये मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो रैश ड्राइविंग करते हैं ऐसे सड़क पे और लाइफ की वैल्यू नहीं समझते हैं, जानवरों को मारते हैं, पैरों से मारते हैं, तो ये मैं मतलब देश हित में कहना चाहता हूँ और एक इंसानियत के हित में कहना चाहता हूँ कि ये भी आप सीख सकते हैं। मैं सर बहुत अमेज था वो देख कर। नहीं देखो लाइफ तो कि जो आदमी के लिए चिड़िया की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, और तो वो अपने पेशेंट्स को कैसे डील करता होगा। मैम ये बड़ा बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप जिस भी फील्ड में हो आपने दूसरे भी एनिमल्स की है ना वैल्यू समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम नहीं बिगड़ जाएगा। अब जो चाइना का हाल देखा है ये सारा वही है कि आपने कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा नेचर। ऐसा नहीं कोई पोस्ट है ऐसा, मैम आपको नहीं पता। एक बार मैं किस्सा बताता हूँ ये कि लाइफ कितनी वैल्यू होती है। जब हम रोहतक रहते थे, मेरी बेटी बीमार हो गई थी, तो एक चिड़िया के 3 बच्चे थे, तो एक बंदर आ गया, वो घोंसला मेरे घर के अंदर ही था पीछे की साइड में, तो मैं बंदर के साथ खुद ही चला गया, वो बंदर मेरे ऊपर झपटा पर बाई चांस में बच गया। तो जितनी भी हुए आप लाइफ सेव करें, रोड पे चल रहे हैं तो भी कोई जानवर आए, क्योंकि आपका धर्म में यही कहता है कि जितनी आप लाइफ सेव करें उतना बेटर है, चाहे वो किसी की भी हो। तो हम आज मिले डॉक्टर दंपतियों से, हमने उनसे हर तरीके के विषय पे बात पूछी, हमने ये भी जाना कि क्या वो पर्सनल लाइफ एंजॉय करते हैं नहीं करते हैं। डॉक्टर होना एक बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है, और अगर आप ज़िम्मेदार आदमी हैं तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ज़िम्मेदार आदमी हैं, फिर चाहे वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करके हो, चाहे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में प्रूफ करना हो, या आपको खुद को प्रूफ करना हो। एक बात याद रखिएगा कि जब आप आला गले में डालकर और एप्रन पहनकर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ किसी के बेटे, किसी के भाई, किसी के पिता नहीं होते, आप एक सामाजिक चिकित्सक होते हैं जिसकी ज़िम्मेदारी एक व्यक्ति को बचाने की होती है। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स के लिए और जो डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम सभी लोगों की तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए, और अगर आप ज़िम्मेदार आदमी हैं तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। हमने जाना आज डॉक्टर आर के यादव और डॉक्टर सुषमा की स्टोरी से कि किसी भी जगह से आने वाला व्यक्ति, कहीं भी किसी गांव से पढ़ने वाला, हिंदी मीडियम से होने के बावजूद भी आप किसी भी बड़ी पोजीशन पर पहुंच सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्वेंट्स के पढ़े हों, आप अच्छी लच्छेदार अंग्रेज़ी बोलते हों, इसके लिए सिर्फ ज़रूरी एक चीज़ है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जैसा कि मेरे एक टीचर मेरे को कहा करते थे कि खूब पढ़ो दीवानों की तरह, एक नशा, एक जुनून, एक बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है। डॉक्टर सर, डॉक्टर मैम, थैंक यू वेरी मच आप हमारे शो पे आए। इट्स अवर प्लेजर टू हैव यू पीपल ऑन अवर शो, जो अपनी पर्सनल लाइफ को भी बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और ऐसे ऐसे केसेस आप डील कर रहे हैं। इट वॉज़ वेरी मोटिवेटिंग सर और मैम आप हमारे शो पे थे। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। थैंक यू।
अगले शो में हम मिलेंगे फिर कई किसी नए आदमी के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ, कुछ और मोटिवेटिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इस पेज को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में आप अपने इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम किस और नई स्टोरी को लेकर आ सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं तो आप वो हमें मेल के थ्रू या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले शो में। तब तक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें। कुछ कर जरा, कुछ कर दिखा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटर लाई है।